डॉक्टर रवि मलिक, देखिए बहुत सारे ऐसे भी 18 प्लस वाले लोग होंगे जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, प्रायोरिटी के हिसाब से पहली बात तो वो भी ये सोच रहे होंगे हमको तो कोरोना हो गया, क्या हम वैक्सीनेशन के लिए जाएं नहीं जाएं, अभी जाएं या थोड़ा और वेट कर ले, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए WHO की सिंपल सी गाइडलाइंस है, जिसको भी कोरोना हो चुका है वो कोरोना ठीक होने के 8 हफ्ते के बाद में वैक्सीन लगवा सकता है। यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा अगर मुझे 2 मिनट दें, क्योंकि मैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी अपने अस्पताल में चलाता हूँ जब से की वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार की शुरू हुई है। इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों का एकदम हजूम आ रहा है, पहले लोगों के अंदर रिजर्वेशन थी, अब लोगों को ये पता चल गया कि 15 करोड़ डोजेस तो दे दिए और किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, और अंडर द बैकड्रॉप के इस वक्त बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोग जो है फुल्ली अब उनमें कोई भ्रम नहीं है, बस उनमें ये एंग्जाइटी है कि हमें वैक्सीन लग जाए, खासकर की जो 18 से 45 साल वाले हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सिंगल अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एप्रीहेंशन है। दूसरी चीज आप देखिए, 3 घंटे में अगर कोविन ऐप के ऊपर 88 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया, तो अभी तो 2 दिन और बचे हैं और अभी तो पहली मई आएगी, मुझे लगता है कि अगर 3-4 करोड़ लोग अगर तब तक अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपनी 6 से 7 करोड़ बनाती है महीने की और दूसरी कंपनी 1 करोड़ बनाती है, और अगर हमने किसी को एक वैक्सीन भी दी तो हमें यह ध्यान में रखना है कि इसकी दूसरी डोज हम रखें, वो सेकेंड डोज नहीं मिलेगी तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार कह रही है कि वो उनको हम वैक्सीन नहीं देंगे, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले, अब प्राइवेट प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बड़ा एक स्तंभ था पिछली वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो अपनी वैक्सीन दे रहे थे और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बन पाया। लेकिन अब 18 से 45 साल में आपकी नॉलेज में ला दूं 40 करोड़ लोग हैं हमारी देश में लगभग 18 से 45 साल में। अब ये अगर 40 करोड़ लोग जो हैं और सबके सब एंग्शियस हैं कि हमें फर्स्ट डोज भी लगे, हमें सेकंड डोज भी लगे, और पुराने वाले भी जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि रुक गए हैं, और बल्कि उनसे पुराने वाले भी, मेरे को अभी भी फोन आते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर थे जी, नर्स थे जी, उस वक्त लगा नहीं पाई जी, ड्यूटी थी, तो ये बहुत सारे लोगों का वो है, तो सरकार को ये सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए इसकी मुझे बहुत ज्यादा आशंका है। सरकार वेल प्रिपेयर्ड है, जिस तरह से इतनी जबरदस्त ऐप बनाई है जिसमें कि 88 लाख लोगों को इमीडिएटली वो कर दिया, वो ठीक है, लेकिन सरकार को देखना पड़ेगा कि ये एक तो सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बने, क्योंकि इस वैक्सीनेशन से करंट जो हमारी पीक आ रही है इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वैक्सीनेशन से करंट पीक पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो वैक्सीन देंगे वो 8 हफ्ते के बाद कारगर होगी, तो ये सारे मुद्दों को देख के हमें ये देखना है सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बने। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर अभी मलिक, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और हमारे दर्शकों को समझा भी सकते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीर हमने मुंबई में वैक्सीन सेंटर के बाहर देखी, जहां पर लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग न के बराबर है, ऐसे में खुद मेयर को आकर ये कहना पड़ता है कि सुपर स्प्रेडर ना हो जाए, इसलिए संयम बरते रखें आप, क्योंकि कोविड सेंटर भी चला रहे हैं, आप भी वैक्सीनेशन लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, लेकिन वैक्सीन कब और किस तरीके से लगेगी? देखिए, वैक्सीन जिस तरह से पिछले फेज में लगी थी, बड़ा स्मूथ फेज गया था हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वैक्सीन की उपलब्धि ठीक थी और पेशेंट्स जो आते थे मेरे सेंटर के ऊपर एवरेज 400-500 पेशेंट्स आते थे और बड़ा इजी होता था मैनेज करना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बड़ा सिंपल था। लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे 2 प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कि अगर तो प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं देगी और वो आउट हो गए तो आपके सेंटर्स काफी कम हो जाएंगे और दूसरे लोग बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपका इनपुट तो 3 गुना बढ़ गया और आउटपुट देने वालों का अगर वो कम हो जाएगा तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कुछ हिकअप्स आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की पूरी प्लानिंग होगी, ना केवल स्पुटनिक, अगर हम सारों की बात करें तो स्पुटनिक की भी कैपेसिटी अच्छी है, कोवैक्सीन 1 करोड़ बना देगी, 6 से 7 करोड़ कोविशील्ड दे देगी और आने वाले समय में 2 या 3 प्लेयर्स और भी आ जाएंगे। यहां पर मेरा एक सुजेशन ये जरूर है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे क्लिनिक्स हैं, फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड कर दें, चाहे रेट हम वही रखें। हम सब डॉक्टर्स बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि इस त्रासदी के अंदर हम कोई प्रॉफिट वैक्सीन पे नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अगर हमारे को वहां पे प्रोवाइड कर दें तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। एक क्लिनिक में 25 लोग जाके लगवाए, एक में 50 लगा के चले गए,
बनिस्पत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2000 लोग सीधे आ गए। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डाइल्यूट करके हमारे को वैक्सीन को लगाना चाहिए और वैक्सीन की उपलब्धि लेनी चाहिए और लोगों में भी संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, मैंने जैसे कि आपको बताया 18 से 45 साल के बीच में 40 करोड़ व्यक्ति हैं। अब अगर सब चाहें हम एक ही दिन में 40 करोड़ वैक्सीन लगवा लें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सब लोगों को संयम बरतना पड़ेगा, कोविन ऐप पे डाल लिया। और मैं ये भी कहूंगा बिना रजिस्ट्रेशन बिना अपॉइंटमेंट के आप सेंटर पे भी मत जाइए। अगर आप सेंटर पे भी जा रहे हैं तो वहां पे केवल 2 मिनट रुकिए, जब आपको पता चल गया यहाँ अभी वैक्सीन नहीं है आप इमीडिएट उल्टे पाओ वापस चले जाइए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है और यही मेरी एक थोड़ी बरी है और मुझे लगता है कि इस पे सरकार भी थोड़ा ध्यान दे। बिल्कुल डॉक्टर।